नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की यूनिट सेकंड का चैप्टर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में जो अपना पहला टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक मिलता है। राष्ट्रपति जिसे संघीय कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष माना जाता है, वह राष्ट्रपति। और हमारे देश का संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान माना जाता है बच्चों, उसका नाम है राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद आता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रपति हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि हमारे देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 53 कहता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा, संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। और राष्ट्रपति अपने कार्यों में सलाह लेने के लिए, अपने कार्यों को संचालित करने में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सहायता लेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है बच्चों, 53। उसके बाद पढ़ा था अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में आपने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है, निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है। और अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की बात करता है कि राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 55 कहता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा। तो कौन होता है निर्वाचक मंडल में मेंबर बच्चों? निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में बच्चों, ये जो चुनाव किया जाता है उसके लिए एक पद्धति काम में ली जाती है, उसका नाम है बच्चों एकल संक्रमणीय मत की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आप सबको पता है कि हमारे देश में बच्चों लोकतंत्र है, बहुमत का शासन है, तो सभी को मत की वैल्यू हो, सभी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति का चुनाव कर सके, इसीलिए हमारे देश में बच्चों एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक प्रणाली का उपयोग किया गया। मतलब जनसंख्या के आधार पर एक सांसद और एक विधायक के मत का मूल्य का आकलन किया गया, ताकि उनके मतों का मूल्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव कर सके। तो क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और एक सांसद और विधायक के मत का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है विधायक। विधायक कहाँ बैठता है बच्चों, ध्यान रखना, राज्य विधान मंडल। जैसे केंद्र में क्या होता है, केंद्र में क्या होती है, व्यवस्थापिका होती है, संसद होती है, वैसे ही राज्यों में कानून बनाने के लिए राज्य विधान मंडल होता है। क्या होता है, राज्य विधान मंडल होता है। और इस राज्य विधान मंडल के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो राज्य विधान मंडल में जो विधायक बैठते हैं, जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनके मतों का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाए? क्यों? क्योंकि विधायक में केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो विधानसभा, जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनके मत का मूल्य कैसे निकालेंगे बच्चों, वो देखते हैं।
तो सबसे पहले उस राज्य की जनसंख्या को देखेंगे। राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देखेंगे। वो कैसे, जैसे मैं बोल दूं कि राजस्थान की जनसंख्या है 6,50,00,000, ये है क्या है राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6,50,00,000 है, मान लो 6.5 करोड़ है, ठीक है। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं बच्चों, 200। कितने हैं विधायक, 200 है। और ये 200 कब तक बने रहेंगे बच्चों, ये 200 विधायक बने रहेंगे 2026 तक। क्यों बने रहेंगे, क्योंकि 84वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक यथावत बनी रहेगी। जनसंख्या का जो परिसीमन 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन किया है वो 2026 तक यथावत रहेगा। तो जो 200 विधानसभा के सदस्य है बच्चों, उस विधानसभा के सदस्यों में इन 200 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो जो संख्या आएगी वो एक विधायक के मत का मूल्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। जैसे यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ पर यूपी की जनसंख्या लिख देंगे और यहाँ पर यूपी के विधायक लिख देंगे। जैसे यूपी के विधायकों की संख्या जो है वो यहाँ पर लिख देंगे और यूपी के जो विधायक है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र विधायकों की संख्या लिख देंगे, तमिलनाडु विधायकों की संख्या लिख देंगे और वहां की जनसंख्या में उसका भाग दे देंगे, तो उस राज्य की विधानसभा के विधायक के मत का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद आता है सांसद के मतों का मूल्य। सांसद के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है बच्चों, राज्य विधायिका के मतों का मूल्य। देखो बच्चों, ये जो है आपका 200 जो विधायक है उनमें एक विधायक के मत का मूल्य आएगा, 200 विधायकों के मतों के मूल्य में उसको इंटू कर देंगे, तो जितने भी राज्यों की विधायिका के मतों का मूल्य आया है उसमें जितने भी सांसद है, सांसद कितने हैं बच्चों, आप सबको पता है कि लोकसभा में 543 निर्वाचित मेंबर हैं और राज्यसभा में 233 जो है 776 जो मेंबर है वो क्या है, 12 निर्वाचित होते हैं। दो सौ पैंतालीस हो गए ना, तो 233 सदस्य तो राज्य विधानसभा से आते हैं और 543 जो मेंबर आते हैं वो लोकसभा से आते हैं, तो कुल जो सांसद है बच्चों वो कितने हो गए, 776 हो गए। तो इन जो राज्य विधायकों के मतों का जो मूल्य आ रहा है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों का भाग देने पर सांसद के मतों का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने विधायिका के विधायक के मत का मूल्य ज्ञात कर लिया, सांसद के मत का मूल्य ज्ञात कर लिया। अब मूल्य ज्ञात करने के बाद बच्चों एकल संक्रमणीय मत पद्धति की आनुपातिक प्रणाली के आधार पर चुनाव किया जाता है बच्चों। वो कैसे किया जाता है वो देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि चुनाव होता कैसे है, तो एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है बच्चों वो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, अल्पसंख्यकों को भी उतना ही स्थान प्रदान करती है जितना किसका स्थान है, जितना बहुमत की जो लोग हैं उनका जो सरकार है उतना ही अल्पमतों को भी संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, मान लो ये चार जनों ने राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया, इसको मत मिलते हैं 30,000, इसको मत मिलते हैं 40,000, इसको मिलते हैं 50,000 और घै को मिलते हैं 55,000, ठीक है। 30,000 इसको मिले, 40,000 इसको मिले, 50,000 इसको मिले, 55,000 घै को मिले।
अब बात आती है कि अगर इनको मत तो एक जैसे ही मिल रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है मतों के मूल्य में, लेकिन इनका चुनाव करने से पहले या इनको नियुक्त करने से पहले बच्चों न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। और न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है? डाले गए वैध मतों की संख्या, जितने वैध मत इस चुनाव में डाले गए हैं उन वैध मतों में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या करने पर जितने मत आएंगे बच्चों, जैसे डाले गए वैध मतों की संख्या, ये टोटल वैध मत है, तो इनका टोटल करने के बाद जो वैध मत आएंगे, मान लो ये आ रहे 1,20,000, 40, 30, 70, 50, 120, 120 और 175 आ गए, तो 175,000 में आने के बाद निर्वाचित सदस्यों की संख्या में इसका भाग देंगे बच्चों, तो ये सब चारों जो है इन्होंने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया है। तो न्यूनतम कोटा अगर इन्होंने प्राप्त नहीं किया है बच्चों, तो क्या किया जाएगा? कै, खै, गै और घै, इसके वोट है 30,000, इसके वोट है 40,000, इसके वोट है 50,000 और इसके वोट है 55,000। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने न्यूनतम कोटा चारों ने ही प्राप्त नहीं किया, तो जो सबसे कम मत है 30,000, इसको मैदान से हटा दिया जाएगा और इनके इन तीनों को, इनके 30,000 वोटों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा बच्चों? जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो इन चारों को एक विधायक वोट देता है, पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद के आधार पर इनको क्या देता है? वोट देता है। मान लो इसने पहली पसंद खै को दी थी, खै को दूसरी पसंद दे दी, इसको तीसरी पसंद दे दी और इसको चौथी पसंद दे दी, इसके आधार पर इनके मतों को इन तीनों में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। मान लो इस 40,000 वाले को इसने वोट दे दिए 10,000, इसको वोट दिए इसने 15,000 और घै को दिए इसने 5,000, तो यहाँ पर ये कितने हो गए? 55,000 खै के पास आ गए, 65,000 आपके घै के पास आ गए और 60,000 आपके किसके पास आ गए? आपके घै के पास आ गए। अब क्या है, ये जो सबसे कम वोट वाला है ये मैदान से हट जाएगा, लेकिन अभी तक भी न्यूनतम कोटा प्राप्त, माना कि न्यूनतम कोटा 75,000 है, कितना है? 75,000 इनका न्यूनतम कोटा है। तो जैसे ही न्यूनतम कोटे को प्राप्त करने के लिए इसके वोटों को इसमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मान लो 65,000 जो वोट है, इसके जो 55,000 वोट है, इसमें 30,000 वोट तो गै को ट्रांसफर करे और यहाँ पे 60,000 में 25,000 वोट इसमें गै को ट्रांसफर करे, तो यहाँ पे कितने हो गए? ये तो हो गए 85,000 और ये हो गए यहाँ पे 95,000। तो जीत कौन जाएगा बच्चों? गै जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? गै जीत जाएगा। इस तरीके से न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस तरीके से वोटों को बांटा जाता है, पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद के आधार पर इस प्रक्रिया में वोट दिए जाते हैं। राष्ट्रपति को विधायक और सांसद क्या देता है बच्चों? वोट देता है। क्या देता है? वोट देता है। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक देखने को मिलता है, इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 55 में देखने को मिलता है और इसमें विधायक के मत का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाएगा? उस राज्य की जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 200 है, तो उनका भाग राजस्थान की जनसंख्या में देंगे तो एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। फिर आता है सांसद के मत का मूल्य ज्ञात करने के लिए, राज्य विधायिका के मतों के मूल्य में सांसद जितने भी है जो निर्वाचित है उनका भाग अगर हम देंगे तो एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। तो इन मतों का जो मूल्य है
उनको न्यूनतम कोटे में शामिल किया जाता है। वोटिंग राष्ट्रपति की करवाई जाती है और मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोगों को जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा। तो जितने भी वैध मत है उनमें जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनका अगर हम भाग देंगे तो न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाएगा। अगर पहली बार में ही न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति ने हासिल कर लिया तो उसको उम्मीदवार उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन अगर चारों ने ही न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया तो उनको दोबारा क्या करवाया जाएगा, उनको एक द्वितीय प्रणाली के आधार पर बाकी जिसके सबसे नीचे के वोट आए हैं उनको बाकी तीन में ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद खै वाले में कम आए तो इसको हटा करके इसके वोट गए और घे में ट्रांसफर कर दिए और लास्ट में जो वोटिंग आई उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया जब तक करी जाएगी जब तक कि जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है उसने न्यूनतम कोटा प्राप्त किया या नहीं किया तब तक इसी प्रक्रिया को जारी किया जाएगा। अब बात हमने निर्वाचन प्रक्रिया की कर ली, अब करते हैं बच्चों बात शपथ की। किसकी करते हैं शपथ की बात करें अगर हम बच्चों तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति शपथ लेता है कि वो संविधान की विधि का परिरक्षण करेगा, संविधान का पालन करेगा और इस देश की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित होगा। ये बात जो है राष्ट्रपति की शपथ में शामिल होती है। तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति जी क्या लेते हैं बच्चों, शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। और शपथ किसकी लेते हैं, वो विधि का क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे, संविधान के नियमों का पालन करेंगे। ये कौन शपथ लेता है, राष्ट्रपति। उसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद जो 61 है बच्चों वो बात करता है किसकी, वो बात करता है महाभियोग की, कि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। इसके अलावा निवास स्थान की अगर हम बात करें बच्चों तो राष्ट्रपति का निवास स्थान है आपका क्या, रायसीना पहाड़ी पर स्थित राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है जो कहां पर है, दिल्ली में है, यहां पर राष्ट्रपति जी निवास करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो द रिट्रीट के नाम से जाना जाता है और ये कहां पर है, शिमला में है, कहां पर है, शिमला में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इनका एक और आवास है जिसको राष्ट्रपति निलयम के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति निलयम के नाम से जाना जाता है। 2008 से राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख था, अब बदल कर इसको राष्ट्रपति जी को जो वेतन मिलता है वो बच्चों मिलता है 5 लाख। इसके अलावा कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को आजीवन क्या मिलता है, निवास मिलता है और राष्ट्रपति जी का जो वेतन है उसका आधा हिस्सा जो है वो उनकी पत्नी को दिया जाता है। ये पढ़ा बच्चों हमने किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो शपथ लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 के आधार पर राष्ट्रपति पर ही केवल महाभियोग लगाया जा सकता है,
और 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर राष्ट्रपति जी को क्या किया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य अगर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है। बच्चों, तो राष्ट्रपति जी को भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति निलयन है, जबकि ग्रीष्मकालीन आवास द रिट्रीट शिमला में, हिमाचल प्रदेश की शिमला में स्थित है। अब बात आती है राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का कोई दीवानी या फौजदारी, राष्ट्रपति काल में कोई भी दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं चलाया जा सकता है। इसके अलावा 2 महीने की पूर्व सूचना पर दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मामला राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। इसीलिए बच्चों, हमारे देश में राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है। राष्ट्रपति का पद जो है वो बड़ा ही सम्मानीय है। देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। हमारे देश का सर्वोच्च जो शक्ति दी गई है, संघीय कार्यपालिका का जिसको प्रधान बनाया गया है, वो कौन है बच्चों, राष्ट्रपति है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि राष्ट्रपति करता क्या है, राष्ट्रपति के कार्य क्या है, तो राष्ट्रपति के कार्यों की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, कार्यों के बारे में और चर्चा करेंगे। देखो, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, और हमने पिछले वीडियोस में देखा भी है बच्चों कि राष्ट्रपति के कार्य क्या है, तो राष्ट्रपति की अगर हम नियुक्ति संबंधी कार्यों की बात करें बच्चों, तो राष्ट्रपति को जो सलाह देता है उसी को वो नियुक्त करता है। आप सब जानते होंगे बच्चों, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को चुनने का कार्य जो करता है वो कौन करता है बच्चों, वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को चुनने का दायित्व किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155 के अनुसार जो चुनाव करता है राज्यपालों पर, जितने भी राज्यों में राज्यपाल है उन सबको चुनाव करने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इस राज्यपाल की राज्य में वही भूमिका होती है जो राष्ट्रपति की केंद्र में होती है। इसके अलावा भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग इनके अध्यक्षों को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सूचना आयोग के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। आज आपने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, निवास स्थान के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो आप चाहते हैं कक्षा 12th की राजनीति विज्ञान का जो संविधान वाला पोर्शन है मैं आपको करवाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं आगे के वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। धन्यवाद। आ जाओ।